हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर, जो कि फार्मा कोग्नोसी एक आपका लास्ट पेपर बचा हुआ है, उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन वन बाई वन कि फार्मा कोग्नोसी में कौन से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें एक बार याद कर लीजिएगा, और ये एग्ज़ाम्स में 99.9% आपको एग्ज़ाम्स मिलेंगे, मोस्टली 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछा ही पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही। और जो मैं बात करूँगा वो सब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को डिफाइन करना है आपको, और डिस्कस इन डिटेल डिफरेंस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, जो आपकी क्रूड ड्रग होती है उसका क्लासिफिकेशन और डिफरेंट मेथड्स के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले डेफिनेशन फार्माकोग्नोसी की, उसके बाद डिफरेंट मेथड्स और क्लासिफिकेशन किसका, क्रूड ड्रग का, ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ड्रग एडल्ट्रेशन। ड्रग एडल्ट्रेशन क्या होता है? एडल्ट्रेशन को मैं अगर हिंदी में बोलूं एडल्ट्रेशन को, तो बोल सकते हैं कि जिस चीज़ में कोई मिलावट हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेके बात करता हूँ, तो जैसे दूध होता है आपका मिल्क, उसमें हम पानी मिला दें, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी क्वालिटी। इसीलिए जो वो एक एडल्ट्रेशन हुआ। ऐसे ही कोई ड्रग हुई, उसमें हम कोई भी एडल्ट्रेशन ऐड कर दें, जिसमें क्या होता है, हमारे ड्रग की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है, वो हम ड्रग एडल्ट्रेशन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है हमारा, राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन। जो हमारे एडल्ट्रेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, वो आपको इसमें बताना है। क्लियर है? ये एक बार रीड करें आप और एक बार पढ़ के जाएं, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट एंड यूजेस ऑफ डिस्टेलिस एंड अगर्ट। तो आपको यहाँ पे हो सकता है कोई और ड्रग दे दे, मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर सब एक बार आप रीड कर लीजिएगा, जो भी ड्रग हैं उनके यूजेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स, ठीक है, और बायोलॉजिकल सोर्स, और फैमिली भी पढ़ लेना कि कौन सी ड्रग किस फैमिली से बिलोंग करती है, वो आप एक बार इसे रीड करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, राइट द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइट्स। ग्लाइकोसाइट्स का आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आपको इसमें बताना है। मोस्टली ये क्वेश्चन मैं अगर बोलूँ तो 3 नंबर में ही पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन और बकाया ये 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट हर्बल कॉस्मेटिक। हर्बल कॉस्मेटिक से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट नोट लिखना है आपको इस पे, हर्बल कॉस्मेटिक। क्लियर है? नेक्स्ट, नेम द वेरियस मेथड्स। सबसे पहले क्या है, वेरियस मेथड मतलब अलग अलग बहुत सारे मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। जो हम क्रूड ड्रग्स की इवेल्युएशन करते हैं उसमें कौन कौन से मेथड्स को हम यूज़ करते हैं क्रूड ड्रग को पहचानने के लिए, उसका इवेल्युएशन करने के लिए, वो आपको इसमें बताना है। मेंशन द ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, और साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक 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 लेप्टो सॉरी ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन आपको बताना है। क्लियर है? इवेल्युएशन आपको इसमें बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एलोए और क्लोव। जो एलोए होती है हमारी और क्लोव होती है, उसका क्या करना है, थेरेप्यूटिक यूज़ बताना है आपको कि वो थेरेप्यूटिकली कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट बताना है उस ड्रग का वो सामने दी हुई है, और बायोलॉजिकल सोर्स बताना है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, गिव नोट ऑन रोल ऑफ मेडिसिनल एंड
एरोमेटिक प्लांट्स जो हमारे नेशनल और सॉरी जो हमारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं इन नेशनल इकोनॉमी, उनका नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल है। जैसे हमारा कोई भी ड्रग्स वगैरह होती हैं, क्रूड ड्रग वगैरह होते हैं जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, और हमारे एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब जो सुगंध वगैरह देते हों, जो फ्रेग्रेंस देते हों, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनका रोल हमारे नेशनल इकोनॉमी में क्या, उनका योगदान है वो आपको इसमें बताना है, नोट देना है आपको, लिखना है इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। जो हमारी ड्रग्स होती हैं, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन उसका कैसे कैसे कर सकते हैं, किन के बिहाफ पे कर सकते हैं, वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिस्ता एंड असावा। ठीक है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताना होगा। अभी मैं इसे डिटेल में बता दूंगा, ये वाला क्वेश्चन मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अरिस्ता की बात करूं तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसा कैसा रहता है, क्लियर है। तो सबसे पहले अगर अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, फ्लो चार्ट बनवा के आपको बता दूंगा कि अरिस्ता का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन एल्कोलाइट्स, राइट द अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कोलाइट्स। जो एल्कोलाइट्स होते हैं, सबसे पहले एल्कोलाइट्स के बारे में आपको बताना है कि एल्कोलाइट्स क्या होते हैं, और जो एल्कोलाइट टेस्ट होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह होते हैं एल्कोलाइट्स के, वो आपको बताने होंगे, क्लियर है। अगर मैं एल्कोलाइट्स की बात करूँ तो ये कैसे होते हैं, एल्कलाई इन नेचर होते हैं, और ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, एसिड बेस होना है वही बेस। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, SIC, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होते हैं, देते हैं नाइट्रोजन, क्लियर है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन अरिस्ता की मैं बात करूं तो अरिस्ता का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा 7 स्टेप में। 7 स्टेप में मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कैसे कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, क्रूड ड्रग एंड कोसली पाउडर। सबसे पहले हम जो हमारी क्रूड ड्रग होगी उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो सेकेंड स्टेप हमारा होगा, उस सेकेंड स्टेप में डिकोजिशन, इट्स प्रिवेंशन एंड फिल्टर। सब सेकेंड स्टेप में हम काढ़ा बनाएंगे, उसका काढ़ा बनाने के बाद हम उसे फिल्टर करेंगे, क्लियर है। ये हमारा सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम मिक्स अदर इंग्रेडिएंट्स, जो भी हमारे आपको अदर एड ऑन करने हैं, कोई भी अदर इंग्रेडिएंट एड ऑन करने हैं वो आप थर्ड स्टेप में करेंगे एड ऑन। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप का फोर्थ स्टेप में हमारा, कंटेंट्स आर एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ शुगर और हनी। शुगर और हनी में ये जो हमारा सॉल्यूशन बना उसको हम ऐड करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँ, शुगर हनी के साथ साथ आप उस पर गुड़ में भी ऐड कर सकते हैं। शुगर हनी के साथ साथ आप उसे गुड़ में भी ऐड कर सकते हैं, क्लियर है। एंड फोर्थ स्टेप है, इसे हम बॉयल करेंगे। जो हमारा ये पूरा सॉल्यूशन बना, 4 स्टेप तक हम इसे बॉयल करेंगे, उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे, किसमें ट्रांसफ़र करेंगे, वुडन वेसल। वुडन का मतलब होता है लकड़ी, वेसल का मतलब होता है बर्तन। जो लकड़ी का बर्तन हुआ हमारा, उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे इसे, क्लियर है। इसके बाद हम जो हमारा 6th स्टेप होगा, कवर्ड विद एन अर्थन लिड। अर्थन लिड का मतलब होता है जो मिट्टी का बना हुआ ढक्कन होता है, उससे हम कवर करेंगे। किसे कवर करेंगे, वुडन वेसल को, जो लकड़ी का बर्तन होगा जिसमें हमने अपना पूरा मिक्सर रखा है, उसे हम लकड़ी के, वो सॉरी मिट्टी के ढक्कन से, लिड से हम उसे कवर करेंगे। कवर करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, कुछ समय के बाद हम फिल्टर करेंगे और उसे स्टोर करने के, स्टोर करके रख देंगे। ये हमारे 7 स्टेप में हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन अरिस्ता का था, क्लियर है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम से मिलेंगे। कल आपका लास्ट एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।